चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन से जो ये सीरीज आपको दे रखी वो एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट देयर थ्री मोर टर्म्स। ठीक है, अगर ये एपी है तो इसके और नेक्स्ट के थ्री टर्म्स क्या होंगे वो आपको देखना है। बट अगर हमें पता करना है कि ये एपी है या नहीं है तो हम कैसे पता कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल के ही पता कर पाएंगे। तो वो तो हमें स्टार्टिंग से ही निकालनी पड़ेगी। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे तब वो एपी होगा, अदरवाइज एपी तो होगा ही नहीं, है ना, ये तो हम जानते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। बट आपको पता है बेसिकली ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, यानी कि अगर ये एपी है तो हमें हर क्वेश्चन में A5, A6 और A7 भी निकालने होंगे अगर एपी होते हैं तो। ठीक, सो बेटा स्टार्ट करते हैं। सिंस D1 कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, A2 माइनस A1 पहला वाला है, तो सेकेंड टर्म 4 है, ये 2 है, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आ गया। नेक्स्ट D2 टर्म निकालो, A3 माइनस, कम से कम दो तो निकाल के देखनी है। थर्ड टर्म 8 है, ये सेकेंड टर्म 4 है, तो ये 4 आ गया। तो आप क्या लिखोगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है इसीलिए ये क्या होगा, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो ये एपी नहीं है। अगर एपी नहीं तो बेटा मैं तीन टर्म कहाँ से निकाल दूँ, है ना, एपी होगा तभी तीन टर्म निकालना है। हो गया पहला वाला पार्ट। सेकंड वाले क्वेश्चन में आ जाऊँ, देखो बेटा D1 निकालना है। D1 क्या होता है बेटा, A2 माइनस के A1। सेकंड टर्म क्या है बेटा, 5/2, फर्स्ट टर्म है 2, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 LCM आ जाएगा, 2 1 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 5, 2 2 4, सो ये आ गया 1/2। D2 निकालो, क्या होगा बेटा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करना है, थर्ड टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 5/2, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 लो, LCM आ जाएगा 2, 2 3 6, 1 5 5, 1/2 आगे। D1 और D2 इक्वल, तो यहाँ लिखोगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल देयरफॉर इट इज एन ईपी। ठीक है, सो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस डी कितना है। सो इसका कॉमन डिफरेंस डी कितना है बेटा, 1/2, ये तो एक आंसर है। अगर ये एक एपी होता है तो इसके नेक्स्ट थ्री टर्म निकालना है, यानी कि A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है कि नहीं बेटा। A4 क्या होता है बेटा आपका, A5 होता है फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, A6 क्या होता है फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, A7 क्या होता है सिक्स्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या था बेटा, 7/2, कॉमन डिफरेंस था 1/2, LCM आ जाएगा 2, नीचे दोनों सेम टू सेम है तो ऊपर वैसे का वैसे ऐड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 8/2, 4। ठीक है, फिर A5 आपका आया है 4 और कॉमन डिफरेंस आपका 1/2 है, देखो ये फिफ्थ टर्म 4 है ना, तो LCM आ जाएगा 2 2 4 8, इसके बाद में कुछ दो 2 4 8, 1 1 1, सो आंसर आ जाएगा 9/2। ये सिक्स टर्म है 9/2, कॉमन डिफरेंस है 1/2, LCM नीचे दोनों में सेम है तो वही रहेगा, ऊपर वैसे का वैसे ऐड हो जाएगा 10/2, विच मीन्स 2 5 0, सो जो सेवन्थ टर्म होगा वो 5 होगा। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्लियर। सो देखो बेटा थर्ड टर्म यहाँ पे आ जाओ, D1 A2 माइनस A1 माइनस के 3.2 माइनस के 1.2, तो माइनस माइनस होता है प्लस के 1.2, माइनस करोगे तो ये माइनस के 2 आ जाएगा। दूसरा निकालो, थर्ड टर्म माइनस के सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हमारे माइनस के 5.2,
सेकेंड टर्म हमारा माइनस के 3.2, माइनस के 5.2, माइनस माइनस प्लस 3.2, 5.2 में 3.2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। देखो d1 और d2 इक्वल आ गए, तो क्या लिखो, सिंस कॉमन, सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, देयरफॉर इट इज एन AP, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, वो लिखना है। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, माइनस के 2, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं आपको, a5, a6, a7। a5 होता है फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, ठीक। तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है बेटा, फोर्थ टर्म हमारे पास है माइनस के 7/2, ये हमारा फोर्थ टर्म है, और कॉमन डिफरेंस है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 9/2, माइनस के 9/2 प्लस माइनस के 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 11/2। a6 माइनस के 11.2 माइनस के 2, ये हो जाएगा माइनस के 13.2 आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, इसे आप खुद होमवर्क करके बताऊं कि ये एपी है या नहीं है, ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, a5 क्या होगा, a6 क्या होगा और a7 क्या होगा, कमेंट करके बताओ प्लीज़, ठीक है बेटा। जब तक क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो बनेंगे ही नहीं ना, तो ये मुझे कमेंट करके आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो देखो बेटा, कॉमन डिफरेंस d1 निकालेंगे, वो क्या होता है, a2 माइनस के a1, सेकेंड टर्म है 3 प्लस रूट 2, फर्स्ट टर्म है 3, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा √2। d2 क्या होगा बेटा, a3 माइनस के a2, ठीक। थर्ड टर्म हमारे पास है 3 प्लस 2 √2, और सेकेंड टर्म हमारे पास है 3 प्लस √2, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, 2 √2 में से 1 √2 जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ओनली √2, सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, ठीक है। d1 और d2 इक्वल आए हैं, किसके इक्वल हैं, √2 के बराबर, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस है, देयरफॉर इट इज एन AP, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, √2 है, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, a5th टर्म, a6th टर्म, a7th टर्म, ठीक है। a5th क्या होता है, a4 प्लस d है कि नहीं। सो देखो बेटा क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म हमारे पास क्या था बेटा, 3 प्लस 3 √2, ये हमारा फोर्थ टर्म है, और डी हमारा है √2, 3 √2 और ये √2, ये हो जाएगा 4 √2। इरेशनल नंबर अगर सेम टाइप का हो तभी वो ऐड होते हैं, तभी वो माइनस होते हैं। फिफ्थ टर्म हमारा आया है ये चीज़, और कॉमन डिफरेंस है हमारा √2, 3 एक रेशनल नंबर है, 4 √2 में √2 ऐड करोगे तो ये 5 √2। सिक्स टर्म हमारा है ये चीज़, और कॉमन डिफरेंस है √2, 5 √2 और √2 हो जाएगा 6 √2 आंसर, ठीक है बेटा। अब कमेंट करके बताना है क्या ये सिक्स्थ वाला पार्ट आपको खुद करना है। चलो मैं ही कर देता हूँ, ये कॉमन डिफरेंस आई थिंक नहीं इक्वल है। d1 क्या होगा, a2 माइनस के a1, डेसिमल वाला है ना, तो 0.22, सेकेंड टर्म में से माइनस करना है 0.2, तो 2 के पीछे कुछ नहीं तो 0 लगा दूँ, माइनस करना है 2 में 0 माइनस करेगा 2, ये आ गया 0.02, ये d1 है। d2 क्या होता है, a3 माइनस के a2, थर्ड टर्म है 0.222 एंड सेकेंड टर्म में हमारे पास 0.22, कुछ नहीं पीछे तो 0 लगा दो माइनस करूँ, ये आ गया 2 0 0। तो बेटा ये चीज़ और ये चीज़ अलग है, सिंस d1 और d2 आपस में इक्वल नहीं है,
तो ये बेटा एपी नहीं हो। जब एपी नहीं है तो इसके तीन टर्म हम निकाल भी नहीं सकते आगे की, ठीक है। इसको कमेंट करके बताऊं कि ये क्या है बेटा, ये एपी है या नहीं है, यस या नो में आंसर देना, ठीक है। अगले वाले पार्ट में आ जाओ, ये एक एपी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम करा रखे हैं, देखो इसका हर टर्म सेम है, ठीक है। तो इसका जब हर टर्म जब सेम होता है तो कॉमन डिफरेंस ज़ीरो होता है, आप निकाल के देखना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो इसका जो फिफ्थ टर्म होगा, इसका जो सिक्स्थ टर्म होगा और इसका सेवन्थ टर्म, सारे इक्वल होंगे और वो भी क्या होंगे, माइनस की 1/2। क्योंकि जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है बेटा, सॉरी कॉमन डिफरेंस जब ज़ीरो होता है बेटा, तो इसके सारे टर्म वही होते हैं, ठीक है। इसके सारे टर्म वही होंगे, ए सिक्स एक्स कुछ भी बोलेगा तो वही होगा, ठीक। ये चीज़ हो जाएगी। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप डी वन निकाल सकते हो, ए टू माइनस ए वन करके, डी टू निकाल सकते हो, ए थ्री माइनस ए टू करके, तो आपका कॉमन डिफरेंस ज़ीरो ही आना है, ठीक। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाऊँ तो अगले वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तो एपी है ही नहीं, देख के पता लग रहा है, नॉट एन एपी है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा। ये वाले पे आ जाओ, इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, देखो डी वन अगर निकालोगे वो होगा ए टू माइनस ए वन, ए टू है आपका टू ए और ये ए, टू ए में से ए माइनस करोगे तो ए, डी थ्री क्या होगा, डी टू क्या होगा, ए थ्री माइनस के ए टू, ए थ्री है थ्री ए और ए टू है टू ए, माइनस करोगे ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, देयरफॉर इट इज़ एन ए पी, ठीक है बेटा, ये ए पी हो जाएगा। सो जो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है बेटा, ए है, ये आंसर है। अब हमें क्या निकालना है, ए फिफ्थ टर्म, ए सिक्स टर्म और ए सेवन टर्म है कि नहीं। सो ए फिफ्थ होता है बेटा, ए फोर्थ प्लस डी, फिफ्थ टर्म में डी जोड़ो एंड सिक्स टर्म में डी जोड़ो, ठीक। फोर्थ टर्म हमारे पास है फोर ए, कॉमन डिफरेंस ए, फोर ए में ए जोड़ेंगे फाइव ए, फिफ्थ टर्म हमारा ए, फिफ्थ टर्म हमारे पास है फाइव ए, कॉमन डिफरेंस ए, तो ये हो जाएगा सिक्स ए, सिक्स टर्म हमारा है सिक्स ए, कॉमन डिफरेंस ए, तो ये हो जाएगा सेवन ए, आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, ठीक है। डी वन निकालोगे, ए टू माइनस ए वन, ए स्क्वायर माइनस ए, एंड डी टू निकालोगे, ए थ्री माइनस के ए टू, थर्ड टर्म है ए क्यूब और ए टू है ए स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से अगर कॉमन भी निकालेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से ए माइनस वन बचेगा, और यहाँ से अगर ए कॉमन निकालोगे तो यहाँ से ए माइनस वन बचेगा, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, डी वन और डी टू आपस में इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये ए पी नहीं होगा, नॉट एन ए पी, ठीक। आगे समझ में, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा इसको हम प्रॉपरली कैसे लिख सकते हैं, ये रूट टू है, एट को तुम लिख सकते हो कैसे, टू फोर ज़ा एट, टू 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 ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, इसका जोड़ा बना बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर, इस ये हो जाएगा सिमिलर रूट थ्री रूट टू, ये हो जाएगा फोर रूट टू, ठीक है। सो इसके जो इसका जो फिफ्थ टर्म होगा ना, वो होगा फिफ्थ रूट टू, सिक्स रूट टू और सेवन रूट टू, ये इसके तीन आने वाले आंसर्स भी होंगे जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। चलो मैं निकाल के दिखा दूँ आपको कि ये ए पी है या नहीं है। डी वन, ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है टू रूट टू, और ए वन कितना है रूट टू, टू रूट टू में से रूट टू माइनस करेंगे ओनली रूट टू बचेगा। डी टू, ए थ्री माइनस के ए टू, थर्ड टर्म कितना है बेटा थ्री रूट टू और सेकेंड टर्म हमारे टू रूट टू, तो क्या बचेगा ओनली रूट टू, तो क्या लिखोगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल देयरफॉर इट इज एन
ए पी, तो सो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, रूट टू है पहला आंसर। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है बेटा, ए फिफ्थ टर्म, ए सिक्स टर्म और ए सेवन्थ टर्म। फिफ्थ टर्म तो आपको बताइए क्या होता है बेटा, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करूँ, फोर्थ टर्म हमारा कितना है बेटा, फोर रूट टू, और कॉमन डिफरेंस है रूट टू, तो यह आ जाएगा फाइव रूट टू। अगर इसको प्रॉपर रूट के अंदर लिखना है, सो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, फाइव अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर कर दो, फाइव के स्क्वायर 25 और इंटू में टू, तो यह आ जाएगा रूट 50। ए सिक्स क्या होता है बेटा, फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, और ए सेवन क्या होता है, सिक्स टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो। तो फिफ्थ टर्म हमारा क्या है बेटा, फाइव रूट टू, कॉमन डिफरेंस है रूट टू, तो यह आ जाएगा सिक्स रूट टू। इसको अगर प्रॉपर अंडर रूट के अंदर लिखना है तो सिक्स का स्क्वायर 36 और ये रूट टू, तो यह आ जाएगा रूट के अंदर 72। सिक्स टर्म हमारा क्या है, सिक्स रूट टू, और डी हमारा है कॉमन डिफरेंस रूट टू, सिक्स रूट टू, ये हो जाएगा सेवन रूट टू। अगर इसको लिखना चाहोगे सेवन का स्क्वायर 49 अंदर रूट, तो ये आ जाएगा कितना, 98 आंसर। ठीक है बेटा, बट इनको आप नहीं कर सकते, इनको रूट से बाहर निकल ही नहीं सकते। अगर डी वन बताओगे तो रूट सिक्स माइनस रूट थ्री, इसको आप माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि जो रूट वाले होते हैं वो सेम टाइप में अगर होते हैं तो ये ऐड होते हैं तभी माइनस होते हैं, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तो माइनस नहीं कर सकते। हाँ बेटा, ये डी वन है और डी टू क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म माइनस ये है ना, रूट नाइन का मतलब होता है थ्री, और ये चीज़ दो डिफरेंट चीज़ें। आप देखो जो डी वन है वो डी टू के इक्वल है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये ए पी नहीं होगा, नॉट एन ए पी। ठीक है, इस पे आ जाओ, इसको प्रॉपरली लिखो, वन का स्क्वायर होता है वन, थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा सात, ठीक है 49। बाकी के टर्म निकालने हैं आपको। सो अगर आप देखेंगे डी वन ए टू माइनस ए वन, डी टू ए थ्री माइनस ए टू, यही होता है। सो सेकेंड टर्म कितना है, नौ माइनस के एक, तो ये आ गया आठ, एंड 25 माइनस के नौ, ये हो जाएगा 16। तो ये डी वन है, ये डी टू है, सिंस डी वन एंड डी टू इज नॉट इक्वल, नॉट एन ए पी। ठीक है, तो ये ए पी नहीं होगा, आराम से हो गया बच्चा। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, वन का स्क्वायर वन, ये 25, ये 49, ठीक है, और यहाँ पर 73 है, क्लियर। सो चेक कर लेते हैं, डी वन हो जाएगा ए टू माइनस के ए वन, ए टू है 25, ए वन है वन, तो यह आ जाएगा 24। डी टू निकालो, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री है 49, ए टू है 25, तो ये भी आ गया 24। सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, देयरफॉर इट इज एन ए पी। ठीक है बेटा, ये ए पी है और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 24, ये हमारा आंसर है। अब हमें क्या निकालना है, इसके आगे के टर्म निकालने हैं, ए फाइव निकालना है, ए सिक्स निकालना है और ए सेवन निकालना है। ठीक, ए फाइव होता है ए फोर्थ प्लस डी, ए फिफ्थ प्लस डी और ये सिक्स प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेटा, ए फोर्थ हमारे पास टर्म था 73 और कॉमन डिफरेंस है 24, ऐड कर दो, सात है चारों तीन सात, ठीक, और ये 97 प्लस 24 कॉमन डिफरेंस था, तो चार 11, नौ दो 11 और एक 12। ए सिक्स टर्म है 121, कॉमन डिफरेंस है 24, ऐड कर देंगे 145। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और इसके साथ साथ ये प्रश्नावली और ये एक्सरसाइज
पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सभी चैप्टर्स करा रखे, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।